नमस्कार, मैं हूँ रितंभरा और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। आज है 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। हर इंसान योगा से जुड़ने की बात करता है और योगा करना चाहता है। डेली रूटीन में योगा को शामिल करना एक स्वस्थ शरीर और एक मन को खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। योगा डे जो है वो भारत के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस बार जो राज्य स्तरीय लेवल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो अजमेर के पटेल स्टेडियम में होने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के जिला संयोजक निमीचंद जी तंबोली जी से, जो कि एक जर्नलिस्ट भी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी है। इनसे हम योग के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पत्रकारिता से करीब मैं 20 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और अध्यापन का काम भी रहा है। काफ़ी संगोष्ठियों में आना जाना काम रहता है। MDH यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का काम है मेरा, और विशेष तौर से साइकोलॉजी और पत्रकारिता का जहाँ संबंध होता है तो साइकोलॉजी विषय भी मैं पढ़ाता हूँ। और काफ़ी लंबे समय से हम पतंजलि योग समिति के बैनर तले हम योगाभ्यास करवा रहे हैं। शहर में काफ़ी योग कक्षाएँ हमारी संचालित होती हैं और ये जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसमें भी मुख्य भूमिका भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की रहेगी। और योग के प्रति जो आम व्यक्तियों का जुड़ाव है उसको देखते हुए मैंने ये एक समाज सेवा एक तरह से बीड़ा उठाया था। तो योग से आपका भी काफी गहरा नाता रहा है। देखिए, योग से तो आम व्यक्ति का नाता रहता ही है। कि अपन प्राणायाम की बात करें तो प्राणों का आयाम है, एक तरह से प्राणों की कसरत है। और मैं रिदंद्रा जी आपको बताना चाहता हूँ कि किसी प्राणों का आयाम अगर व्यक्ति छोड़ दे तो उसका जो पूरा का पूरा अपन कहते हैं कि वो शिव से सब हो जाए, एक क्षण भी अगर श्वास आगे पीछे हो जाए तो बिल्कुल व्यक्तित्व अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। चाहे चलते फिरते कैसे भी करें वो प्राणायाम कर रहा है ये मान के चलते हैं। तो योग की अगर बात करें तो योग है क्या? देखिए, योग आप यूँ समझ लीजिए कहीं ना कहीं ध्यान की एकाग्रता की बात है। जिस तरीके से मैं एक छोटा सा उदाहरण एक पूरक प्रश्न के माध्यम से आपको इस बात को थोड़ा सा आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भोजन की थाली आपके सामने होती तो आपका मन रहता है कि मैं ये खाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये खाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपने जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का एक तरह से एक जुड़ाव नहीं हो पाता है और अपन कभी ये ठीक है कर लिया, कभी वो कर लिया। पूरा का पूरा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का अगर पूरा जुड़ाव होता है, जैसे समग्रता से एकाग्रता की ओर जाता है व्यक्ति, वो योग है। कहीं पर भी आप कंसंट्रेशन कर दीजिए, ध्यान लगा लीजिए कि मुझे ये काम करना, मैं कपालभाति कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा एक तरह से योग है। जो भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर वो समग्रता की तरफ एकाग्रता की तरफ जा रहा है तो वो निस्संदेह योग की ओर जुड़ रहा है और ये योग है, वही योग है। तो योग, योग आसन, प्राणायाम और ध्यान में क्या अंतर है? देखिए, आसन मूल रूप से मांसपेशियों के लिए अपन वार्म अप होने की जो बात करते हैं, कहते हैं भी कि अगर आपको शरीर को मजबूत बनाना है तो आसन कीजिए, प्राणों की मजबूती के लिए प्राणायाम कीजिए, और अगर एकाग्रता मन को कहीं केंद्रित करना है तो ध्यान कीजिए। तो पतंजलि योग समिति द्वारा इन तीनों को साथ में लिया जाता है। जो भी हमारा योग का पैकेज होता है उसमें प्राणायाम भी होता है, आसन भी होता है, ध्यान भी होता है, और तीनों का जिस तरीके से जीवन में या अपने शरीर में विभिन्न बॉडी पार्ट्स का एक समागम होता है और एक स्फूर्तवान व्यक्ति बनता है, उसी तरीके से इसमें प्राणायाम, आसन और ध्यान का भी पूरा का पूरा सहयोग होता है तीनों को साथ। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राणायाम, आसन और ध्यान योग का ही एक पार्ट है। योग का ही एक पार्ट आप कह दीजिए, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, इस तरीके से। तो उसको किसी को अगर अलग कर देते तो वो व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं अस्तित्व खंडित होता है। तो उससे अखंडता को बनाए रखने के लिए तीनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा ये कि तीनों साथ में चलें, प्राणायाम तो ही, आसन और ध्यान का भी उसमें साथ में होना चाहिए। तो योग और प्राणायाम में हमारी श्वास का कितना महत्व होता है? देखिए, श्वासों का महत्व मैंने अभी आपसे कहा था कि श्वासों का तो जीवन में वैसे भी महत्व है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण के बाद पे बात करते हैं कि जितना व्यक्ति का दीर्घ श्वास होगा उतनी ही उसकी दीर्घ आयु होगी। अपन कभी कल्पना करते हैं आज के 25 या 30 साल पीछे अगर जाते हैं तो शतायु होना सामान्य बात थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 60 के पास आ गया, 50 के पास आ गया, व्यक्ति अपने आप ही मायूस हो गया कि साहब 50 साल होती, 60 साल एज होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये कोशिश है कि आपका प्राणायाम, धीरे धीरे जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका श्वास दीर्घ होने लगता है। एक छोटे से उदाहरण से अपन इस बात को समझते हैं, जैसे कछुआ है, कछुआ बहुत दीर्घ 2 से 2.5 मिनट 5 मिनट तक एक श्वास लेता है, और व्यक्ति का जो श्वास का जो क्रम होता है बहुत ही 30 सेकंड 25 सेकंड में
वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस नहीं ले पाता। इसी तरीके से कुत्ते की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी 20 साल अवस्था होती है। तो प्राणों को जितना आप दीर्घ करोगे, जितना सांस रोकने को, इसको प्राणायाम की भाषा में, योग की भाषा में पूरक, रेचक और कुंभक कहते हैं। पूरक सांस लेना, छोड़ना और रोकना, तीनों स्थितियाँ होती। ये आप धीरे धीरे, व्यक्ति अगर इसका अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी आयु भी दीर्घ आयु होने लगती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब आप योग करते हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ती है। हाँ, योग से निसंदेह, वही जोड़ने वाली बात है, सभी अंगों को आपने जोड़ा, प्राणायाम से आपने प्राणायाम को जोड़ने की बात की, और उस स्थिति में एक आपको एकाग्रता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं योग करने वालों को जो आपके इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, हाँ, कि गीता की उस पंक्ति को ध्यान रखें, कर्मणि वादी कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। आप योग का कर्म करते जाइए, एक दो महीने में आपको इसकी सफलता, इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। एक से दो महीने में जैसे जनरली होता है कि, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि व्यक्ति कभी कभी योग कक्षा में आते हैं तो वो कहते हैं साहब मैं 3 दिन में आया, मेरे ओबिसिटी पे, मेरे कॉन्स्टिपेशन पे या मेरे कोई मसल पे कोई ज़्यादा कोई मुझे प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये सामान्य सी बातें योग कक्षाओं में हम देखते हैं। तो उनको ये हम कहते हैं, और आपके माध्यम से भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो 35 साल और 40 साल में जो आपने शरीर में जमा किया, क्या वो 30 से 35 मिनट में आप बाहर निकाल दोगे? तो उसके लिए एक दीर्घ समय भी चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ साहब मैं योग कर रहा हूँ। और जब व्यक्ति, आपने भारत की जो एक स्थिति रहती है, ये आम जन के लिए बात है, आम जन की बात एक तरह से मैं कहता हूँ कि उसको मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि अपने भारत का ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहा जाए कि व्यक्ति जब तक मरणासन में स्थिति में नहीं आता, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता, ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि साहब जब योग करने की बात आती कि साहब मुझे ये हो गया वो हो गया, जब डॉक्टर भी जवाब देते तो योग के। अगर स्वस्थ व्यक्ति योग से जुड़ता है तो मैं कहता हूँ कि वो उसकी दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा, वो 15 घंटे का काम जो 10 घंटे में 12 घंटे में पूरा करेगा। 12 घंटे में कर सकता है। तो योग और आसन जो है वो कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कुछ पैकेज आसन की तो बड़ी बहुत ही लंबी श्रृंखलाएं हैं, काफ़ी विद्वान वे काफ़ी पुस्तकें लिखी, वेदों में भी इनका वर्णन है, और जो पतंजलि योग समिति द्वारा जो करवाया जाता है। देखिए, आसन योग प्राणायाम में कभी कभी आप ये कहते हैं कि साहब आपने ये हाथ उठाया उसके बाद ये हाथ उठाना, कहते हैं कि सोचना और बोलना दो स्थितियों में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो। एक इमेज बनती है, जैसे आप किसी का नाम लेते हो, मैं जैसे आपका नाम लेता हूँ, आप मेरे सामने नहीं है तो आपका नाम लेता हूँ, तो कि इमेज बनती है कि इस व्यक्तित्व का मैंने नाम लिया। इसी तरीके से सोचने की जो बात यह आती कि आसन प्राणायाम कितने प्रकार के, वो नहीं, आप धीरे 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 प्रशिक्षित योग शिक्षक के माध्यम से आप योग कीजिए। आसन प्राणायाम, बहुत सारे अभी युवा पीढ़ी को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि वो जिम आदि में जाते हैं और पहले दिन ही कि साहब मैं 2 घंटे मैंने कसरत की है और फिर 5 दिन का वो रेस्ट उनको करना पड़ता है। हाँ। तो ये धीरे धीरे गिनती जिस तरीके से शुरू होती है 1 2 3 4 से, उसी तरीके से आसन प्राणायाम को भी वो करना चाहिए। ये नहीं कि साहब 50 तरीके के आसन है, मैं 50 तरीके के आज कर लूंगा और कल मैं दारा सिंह बन जाऊंगा, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि सबकी बॉडी अलग अलग तरह की होती है, तो जिसको जो जरूरत है वो उसके हिसाब से कर सकता है। देखिए, इस योगा दिवस पे हमने जो एक योगा चार्ट होता उसमें एक संदेश दिया था, और वो संदेश था कि आहार रखे संयमित और योग करे नियमित। अच्छा, तो आहार पे होता है कि आपने रात में भरपेट खाना खा लिया, किसी शादी पार्टी में गए और बिल्कुल इस तरीके से सुबह कह रहे साहब में तो कपालभाती में पेट अंदर नहीं जा रहा, पेट क्या खुद ही अंदर आगे पीछे नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा सा ज्यादा खाना नहीं कहते। देखिए, दुबले पतले व्यक्ति की डाइट बहुत अच्छी होती है, खाना बहुत अच्छा वो खा लेते हैं, अच्छा उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए, 2 तरह की बातें होती है, जैसे ड्राइविंग में अपन एक उदाहरण देते हैं कि गाड़ी चलाना और उसको कंट्रोल करना। गाड़ी चलाने में कोई भी चला देता क्योंकि उसको एक्सीलेटर खींचना है, चलाना है, लेकिन उसको कंट्रोल करना महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी तरीके से खाना खाना और उसको पचाना, ये स्थिति यहाँ पर लागू होती है। तो कोई भी इस तरीके से उसको कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको इस योग की इस धारा में बहना पड़ेगा, तब वो काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। योग जो है, क्या फ़ायदे मिलते हैं योग करने से? देखिए, जिस तरीके से आम व्यक्ति सामान्य समय, आपको एक उदाहरण जो अपन आपको कहीं चौराहे पे मिल जाता है, व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है और एक टेबलेट लेता तो एक क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर साहब इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट से गुटखा खरीदता तो पान वाले को ही नहीं पूछता कि भैया इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। सामान्य इसी तरीके से हम योग और प्राणायाम के लिए कहते हैं
क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट नहीं, इसमें साइड बेनिफिट होते हैं। साइड बेनिफिट होते हैं, आपको कितने ही बेनिफिट इसमें मिलेंगे। आप 15 दिन लगातार योग करके देखिए, अपना वेट देखिए, अपने जो भी मांसपेशियों का खिंचाव, जिस तरीके से जो भी आप चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, उसमें श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जिस तरीके से भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि ये मूर्त है, लेकिन फिर भी आप उसे भगवान मानते हैं, जिस भी भगवान का नाम ले रहे हैं वो आप उसे मानते हैं, ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे योग करना है और 5 मिनट करना, 10 मिनट करना। ये आपका अगर दृढ़ संकल्प हो गया, व्यक्ति को जीवन में संकल्प पे जीना चाहिए, विकल्प पे नहीं जीना चाहिए। अगर संकल्प पे चलता है तो चारों तरफ से, तो ये कह सकते हैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अगर आप करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स। हाँ, डेडिकेशन तो जिस तरीके से अपन कहते हैं कि जीवन में अगर जिसके पास डेडिकेशन है वो सफल व्यक्ति बन ही जाता है, तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक कक्षा का आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि जब आँखें बंद करके हम कपालभाति की बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती, या तो सोना या सोचना, या तो वो व्यक्ति सो जाता है या सोचने लगता है। इन दोनों से बाहर निकल के आप योग कीजिए, निसंदेह आपको साइड बेनिफिट बहुत सारे फायदे इनके, और हर दृष्टि से छोटे मोटे जिस तरीके से शुगर, बीपी, साइनस, इस तरीके से मैं समझता हूँ 5-10 दिन में जुकाम बुखार तो कहीं। तो फायदा जो है वो अगर बच्चे योग करते हैं तो उनको भी फायदा मिलता है। देखिए, आप एक बड़े से पेड़ को कितना ही पानी दे तो उसमें एकदम से फल नहीं लगता, लेकिन छोटे से पौधे को अगर आप समय समय पे पानी देते हैं तो उसमें, अभी बच्चों की जिस तरीके से भाग दौड़ है तो उसमें आप देखिए कि बच्चों के पास इतना बर्डन हो गया काम का कि पता ही नहीं चलता। आप बच्चे को एक रटा रटा ही शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए अगर बच्चों को नियमित, ये माता पिताओं का भी कर्तव्य है और अध्यापक अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि उसको योग की तरफ जोड़ें। और आप ये सीधी सी बात में, जिसको ज़्यादा शब्दों में इसको माया जाल में नहीं उलझाना चाहता हूँ, कि अगर छोटे से पौधे को आपने सही केयर की तो आप फल की बहुत अच्छी अपेक्षा कीजिए। कोई बड़ा पेड़ हो जाने के बाद आप जब तक उसमें फल नहीं लगे, अब आप उसमें 2 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी भी पानी डाल रहे तो उसके थोड़े से परिणाम आने में समय। तो हम ये कह सकते हैं कि योग जो है वो बच्चे भी कर सकते हैं, सभी हर आयु वर्ग का। हमारे यहाँ पर हमारी जो योग कक्षाएं चलती है उसमें 89 तक के व्यक्ति योग करवा रहे हैं और करवा रहे हैं और वो इतने एनर्जेटिक हैं कि वो दिन भर कहते हैं कि कोई काम हो तो बताओ। अच्छा। मतलब एक तरह से वो मौत क्या होती, मृत्यु क्या होती भूल गए, उनको याद ही नहीं, अपने काम में ही लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो आप ये बताइए कि योग करने से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां? बड़ी बीमारियों में तो यहाँ तक की जो रिसर्च हुआ उसमें कैंसर तक की बात आती है कि उसमें, लेकिन लोगों को क्या रहता है कि मैं एक छोटी सी बात, कहीं ना कहीं ध्यान की जो बात आती है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पर है, इसी सिचुएशन में अपन बात करते हैं कि जब व्यक्ति अगर लेटा हुआ है और उसको नींद आ रही है, उसके ऊपर से एक चूहा निकलता है और दूसरा सांप निकलता है, लेकिन उसने चूहे को नहीं देखा और सांप को देखा, तो उसके मन में बड़ी डर वाली स्थिति हो जाती है। तो कैंसर की जो मैं बात कर रहा था, असाध्य रोगों में जो मैं बात कर रहा था, तो उसके मन में ये डर रहता है, जैसे वो कपालभाति की तरफ जुड़ता है तो उसको लगता है कि कैंसर है, निसंदेह मरना ही है, तो वो भाव उसे कहीं ना कहीं पीछे धकेलते हैं, इसीलिए इसके परिणाम पॉजिटिविटी भी साथ में। पॉजिटिविटी एक आदमी ये सोच ले कि साहब मैं तो मर गया हूँ, मेरी उस दिन जिस दिन कैंसर डिक्लेयर हुआ उसी दिन मैं मर गया था, लेकिन अब मैं मरने के बाद, जिस तरीके से जिसको तैराकी नहीं आती उसको पानी में अगर फेंक दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत प्रयास करता है और हो सकता है कभी वो तैराक भी बन जाए, ऐसी स्थिति होती। अगर वो पूरी सकारात्मकता के साथ कर रहा है और एक एक घंटे अगर वो कपालभाति और अनुलोम विलोम, दो महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी उसमें सकारात्मकता आएगी। और ऐसे असाध्य रोग होते हैं उसमें हम ये भी सलाह करते हैं, सलाह देते हैं कि जो भी उनका एलोपैथी आयुर्वेदी जो भी इलाज चल रहा है उसको एकदम से बंद नहीं करें। बाकी छोटी मोटी जो बीमारियां जो ऋतुराज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मधुमेह है, हाई बीपी, लो बीपी है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये बीमारियां, जुकाम वगैरह, ये तो मैं समझता हूँ 10-15 दिन में ही, 10 से 15 दिन में। कैंसर और हार्ट से रिलेटेड जो तो जिसको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती होता है, मैंने अभी उसी बात को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि अपने हार्ट की प्रॉब्लम जब पता चलता है, जब आदमी डॉक्टर के पास पहुंचता है, आईसीयू में पहुंचता है, वहां पहुंचता है तब पता चलता है कि अच्छा मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। सामान्य इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लोगों को पता नहीं रहता कि किस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सिम्टम्स रहेंगे, ऐसी स्थितियां नहीं रहती। और जब वो पहुंचता है फिर उसके बाद कहता साहब मैं ये करूँ वो करूँ, खान पान जो होता है आयुर्वेद, काफ़ी औषधियाँ
उसका आप उपयोग करें और शरीर को उस तरीके से बना करके, हार्ट अटैक हो जाने के बाद, हार्ट अटैक आ जाने के बाद तो सभी कहते हैं साहब अब मैं कर सकता हूं, तो उसमें हम सलाह नहीं देते हैं कि कम से कम 6-8 महीने वो कम से कम इस काम को नहीं करें, फिर धीरे धीरे जुड़ने का। तो हम ये कह सकते हैं कि योग में वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो इतनी बड़ी बीमारियों को भी दूर कर सकती है। देखिए, एक तो किसी शक्ति का प्रदर्शन किसी पोस्टर माध्यम से होता है, कहीं आप सुनते हैं, सुना सुनाया ज्ञान होता है। सामान्यतः भारत में अपन देखते हैं ज़्यादातर लोग इंटरव्यू नॉलेज पर जीते हैं, साक्षात्कार ज्ञान पे, वो इस तरीके से आपने मुझे कुछ बात कही, मैंने दूसरे को कह दी, तीसरे ने कह दी, चौथे ने कह दी, पांचवे तक पहुंचे, और जब पांचवे ने ये जानना चाहा कि वास्तविकता क्या, तो वो बात वापस रिपीट आती कि अच्छा मेरे को उसने कहा था, मेरे को उसने कहा था, मेरे को उसने कहा, और पहले वाला कहता साहब मुझे तो कहीं पढ़ा हुआ था। तो पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, योग करने वाला योग करके इसको अनुभूत करे, आभास करे, महसूस करे कि हाँ मेरे जीवन में कहीं कहीं परिवर्तन। काफी सालों से रिजल्ट देखने को मिले हैं हमको, बड़ी बड़ी बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियों का है। और इसमें क्या है, एक तो जिस तरीके से लोग कहते हैं कि साहब कभी कभी इस तरीके से भी आक्षेप कहीं आ जाते हैं कि साहब दो व्यक्ति खड़े हो गए कि साहब मुझे ये फायदा हो, ये फायदा हो, आप आम व्यक्ति कहीं पर भी जो भी स्थान मिले, जहीं पर भी एक शुद्ध वातावरण में वो योग करें, और बिल्कुल अपनी सकारात्मकता वो रखें कि साहब मुझे ये योग करना है और इतने देर तक, और शुरुआती दौर में ये बात भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कपालभाति आपको स्ट्रोक करने हैं कि साहब 60 तो पहली बार में आपने 500 कर लिए, फिर कहने लगे साहब पेट दर्द होने लगा, कहीं कहीं साइड में कहीं दर्द हो रहा, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ने का प्रयास करें। तो इसमें वो खुद व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं इसके लाभ मिले हैं या मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। जिस तरीके से आपका जो जो प्रोफाइल है इसमें काफ़ी भागदौड़ रहती है, मैं तो पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी समय निकाल के, कि उनकी जो दिनचर्या होती है एक उल्लू की तरह दिनचर्या होती है, क्योंकि वो 3 बजे सोते हैं और 11 बजे उठते हैं, तो उनकी भी दिनचर्या में परिवर्तन करें। और जो पत्रकारिता का जो फील्ड है, अभी टेक्नोलॉजी के बाद तो धीरे धीरे ये होने लगा कि थोड़ा इसमें सुधार हुआ, आज के 20 साल पहले की अगर अपन बात करें तो वही 3 या 4 बजे सोना और 11 बजे उठना, उनके लिए दुनिया ही अलग होती। जब आप प्रकृति के विपरीत जियोगे तो प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और क्योंकि योग को हर एक इंसान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अब योग जब हम करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी है, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कि हम टीवी देखकर योग सीख लिया और योग करते हैं, तो मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या है, गलत प्रैक्टिस भी हो जाती है, और गलत प्रैक्टिस में जिस तरीके से कहते हैं ना कि बार बार किसी क्रिया को करने से वो आदतें बन जाती है और आदतें लंबे समय से छूटती नहीं है। तो इसी तरीके से कोई अगर टीवी मात्र को देखकर कहता कि साहब मैंने योग सीख लिया, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। जमाना सोशल मीडिया का है, लोग चाहते हैं कि वो इंटरनेट से सब कुछ सीख लें। देखिए, इंटरनेट से सीख लें, लेकिन उसके लिए कोई इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के, भाई ये जो बात पूरी प्रमाणिकता के साथ कहते हैं, एक डिस्क्लेमर जो होता है ना कि जो बताया जा रहा है, जैसे आप हिंदी फिल्में भी देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो कहानी बताई जा रही है उसमें किसी भी पात्र का कहीं कुछ वो नहीं, तो जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या नेट पे जो कुछ ना कुछ जानकारी है वो उसमें कहीं ना कहीं लिख देते हैं, या अपने रजिस्ट्रेशन में कहीं लिख देते हैं कि साहब जो जानकारी बताई जा रही है या वो उनके विचार हैं जिन्होंने प्रस्तुत किए, उसमें हमारी सहभागिता नहीं है, जबकि चैनल उनका है, सहभागिता उनकी होनी चाहिए। तो बहुत सारे देखते हैं छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे बताते हैं, उसमें आप भी इसको सर्च कीजिए, एक बार बता दिया कि नींबू में आप नारियल का तेल मिलाइए, दूसरे का नारियल का नहीं सरसों का मिलाइए, अब एक ही बात पे जब दो बातें, तो मेरा यही संदेश है कि जब अगर योग सीखने की आप तैयारी करें तो पहले तो अपना जब घर से छोड़ें तो ये निकाल लें दिमाग में कि घर पे कुछ काम है मुझे, बिल्कुल चिंताएं छोड़कर आप 15 मिनट कीजिए, लेकिन योग प्रशिक्षक के मार्फत आप कर लीजिए, ताकि वो आपको पूरा व्यवहारिक ज्ञान दे सके कि इस तरीके पूरी से टेक्निक्स के साथ में। पूरी टेक्निक तो देखिए रितुमरा जी, पहली बार में नहीं आती है, टेक्निक की तो बात अपन करते नहीं, मैं, लेकिन मैं। जैसे एक समूह की बात करते हैं भारत का, जो मैं बताता हूँ भारत के इस पूरी संस्कृति का, कि अपने यहाँ 80% लोग माहौल पे चलते हैं, 10% लोग कितनी ही सुविधाएं हो कोई काम नहीं करेंगे, 10% लोग कितनी असुविधाएं हो काम करेंगे, और 80% लोग माहौल पे चलते हैं। तो ये 80% का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये माहौल पे चलने वाले, जैसे आपने योग किया और लगा कि अच्छा साहब आज तो आपके चेहरे पे कुछ रौनक दिखने लगी, क्या बात, आप क्या करें योग, अच्छा मैं कल मैं आऊँगा, और फिर वो समूह में करते हैं तो आपस में जैसे ग्रुप डिस्कशन अभी एजुकेशन में चल रहा है, इसी तरीके से जब वो ग्रुप में जाएगा, घर पर बैठ के नहीं कर पाएगा, कभी योग कक्षाओं में किसी सामाजिक सार्वजनिक उद्यान में या सामाजिक समूह में जब जाएगा तो उसके प्रति जुड़ने के लिए बहुत ही लालायित और प्रेरित रहेगा, और उसका एक इंट्यूशन भी उसकी तरफ को देखकर हम सीखते भी हैं, सीखते भी हैं, बिल्कुल सीखते हैं। तो जो योग है वो हमको किसी टीचर, किसी गाइड के अंडर में शुरुआत करनी चाहिए,
और जहाँ तक हो सकते तो एक मैसेज जो लोग करते नहीं, आपको पूरा बॉडी चेकअप करवा के एक बार, अच्छा पूरा बॉडी चेकअप करवाइए आप, और फिर देख लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बीपी कितना है, डायबिटीज कितना है, उन सभी के बारे में, फिर आप उस योग कक्षा में जाइए, उस हिसाब से जाइए ताकि आपको पता चले कि साहब मेरा हार्ट में 90% ब्लॉकेज है, 99% ब्लॉकेज है, और आप वहाँ चले गए, उन्होंने कहा साहब भस्त्रिका कीजिए आप, अब उसमें पूरा का पूरा हार्ट पे पंपिंग होता है तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सांस लेने की टेक्निक है ये कहाँ से ली जाती है? देखिए सांस का तो अपन मजबूत जो फेफड़ों की भी बात करते हैं, बहुत सारे के पेट से सांस लो, सांस आप कपालभाती अनुलोम विलोम करते हो तो सांस को आप लीजिए और अपने फेफड़ों में सांस को रोकिए, यहीं से, पेट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, पेट का काम अलग है और पेट अपना काम उसी तरीके से करता है। तो सांस लेने की जो गति है, किस तरीके से लेना चाहिए, ये टेक्निक धीरे 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 एक अभ्यास के माध्यम से आ जाती है। और ये मन में रखिए कि 15 दिन 20 दिन मुझे योग करना है, इतने समय तक करना ही है। आप ये समझ लीजिए जीवन में एक संकल्प जो मुझे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जीवन में कितना ही व्यक्ति आपका कितना ही प्रिय हो, मृत्यु के दौरान वो आपकी चिता में शामिल नहीं होता है। इसलिए आप अपने आप को मानिए कि मैं हूँ, अगर मैं स्वस्थ रहा, और आधुनिक जीवन की जो भागदौड़ है उसमें बीमार व्यक्तियों को परिवार पूछ नहीं रहे कि भाई तू अपनी दवा ले लेना, अपना काम करना, मुझे उस काम पे जाना, तब बड़ा दुख होता है कि जिनको इतने बड़े लाड प्यार से अपने पाला पोसा उसकी स्थिति ये हो रही। तो ये संदेश ही अगर मन में विचार आता है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो योग की तरफ बढ़िए। ठीक है, अब एक कोई टिप महिलाओं के लिए, आप जैसे योग सिखाते हैं तो काफ़ी महिलाएँ योग करने के लिए आती है, तो देखिए महिलाओं के लिए विशेष तौर से बात अपन करते हैं कि हमारे काफ़ी योगा ट्रेनर महिलाएं होती है और काफ़ी हमारी योग कक्षाएं उसमें, और महिला ट्रेनर से भी आप बात कीजिए, महिलाओं की काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ऐसी आंतरिक प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में पुरुष भाई जो होते हैं कभी बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं और आप हर बीमारी को खुलकर बताते हैं, डॉक्टर कहता है साहब ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो आप सब कुछ बताते हैं क्या खाया कैसे रहे कैसे वो सब कुछ। तो योग के लिए महिलाओं के लिए तो एक तो गर्भावस्था के दौरान उनको एक भद्रासन वगैरह 2-3 महीने के लिए बताने की बात करते हैं, एक जो मासिक धर्म के दौरान उनको योग नहीं करना चाहिए क्योंकि कपालभाति से पूरा का पूरा पेट या मतलब 3 दिन का महिलाओं को अवकाश रखना चाहिए पूर्णतः, और बाकी तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा चेकअप जब हो जाता है, सामान्यतः महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है वो जो छोटी छोटी बातों में अपन करते हैं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वगैरह की बात हो जाती है, तो ये बीमारियां सामान्यतः होती है, तो उसमें उनका रहन सहन जो होता है, सार्वजनिक शौचालय का कभी प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन की स्थिति हो जाती है, या उनका खान पान किस तरीके से मासिक धर्म के दौरान क्या खाना क्या रहना वो स्थिति रहती है, मासिक धर्म का नियमित नहीं होना, तो ये सभी चीज़ें उससे भी होती है। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें जो महिलाओं से संबंधित है उनको उस पर ध्यान रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप सामान्य श्वास ले रहे हो, श्वास की गति में ऐसा कुछ नहीं, आप श्वास लेने के लिए तत्पर रहते हो, कोई अगर आके आपको कह दे कि 5 मिनट के लिए रोक लेना फिर बाद में शुरू कर देना तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो योग की शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए योग की शुरुआत के लिए आप बहुत अगर प्राइमरी स्टेज पर अगर करना चाहते हैं तो आप जाते ही उस योग के दंगल में कूदे नहीं, आप जाइए बैठिए समझिए अपनी सामर्थ्य, आपको पता है अगर मैं अभी आपको कह दूं कि ऋतुमरा जी आप एक छलांग लगाएगी तो आसमान में छेद कर देगी, तो ये आपकी सामर्थ्य, आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कह दिया। या दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आपको बड़े ही सहज भाव से कहता है कि आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो आपका शकल और आपकी सूरत आपको पता है कि आप कितने हैंडसम लग रहे हो। तो योग कक्षा में जाइए, आप बैठिए, वहाँ उस वातावरण में उस धारा में शामिल होने का प्रयास कीजिए, 1-2 योगाभ्यास कीजिए, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाकर आप गाड़ी पर जो जब चलते हैं तो एक बार में 80 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चलती ना, तो आप 10-20-30-40-50-60-70 शुरू से ही शुरुआत कीजिए। तो आज हमने बात की है निमी चंद जी तंबोली जी से, और इन्होंने योग के बारे में हमको काफ़ी कुछ बताया, उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया, नुकसान के बारे में बताया, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए उन सब के बारे में बताया। तो आप योग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो इन्होंने बताया उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो उससे आप खुश रह सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं।